हम नहीं किए हैं, कम कहे। अच्छा, यहाँ पे बैठे हैं, लोग आता होगा, बातचीत करता होगा, तो माहौल कैसा लग रहा है? अभी कोनो माहौल नहीं है, कुछ माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। बस नेता जी लोग घूम रहे हैं, तो उनका काम है। हम लोग तो किसी पार्टी के सबके पार्टी के हैं। बाकी ये है कि जो नजदीकी है। कौन नजदीकी है चाचा? जो भी हम लोग नजदीकी है, कौन है? आता है, जैसे हिना साहब है, जैसे ओम प्रकाश यादव है और बिहारी चौधरी। अच्छा, 5 साल में कुछ काम वाम हुआ है जी? आप 5 साल 5 साल में बहुत कुछ हुआ है। नाला जो बना है, ये 5 साल में क्या 10 वर्ष हो गया। बाकी नाला जो है कि पानी पास नहीं करता। ये नीतीश राज में मिला है कि नहीं मिला है? क्या कह रहे हैं? कमाना है, खाना है, राशन जो मिल रहा है उससे काम चलता है? नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए मुंह पर कहते। अच्छा, उससे पहले ओम प्रकाश यादव थे, वो आते थे? वो आते थे। उसके पहले शहाबुद्दीन थे? और उस घर ही के थे, उनका तो बात से छोटे। इस बार क्या होगा चुनाव में? अभी देखिए ऊपर वाले जाने, माहौल बनने वाला है। बने माहौल तो कहीं ना कहीं बने ही गई। किसकी सरकार बनेगी अभी ये हम नहीं कुछ बताइए, चाहते किसको? समझ जाइए, रोडवा जाकर देख लीजिए क्या विकास हुआ है। ये जो हरियास होते हुए निकलता है गोपालपुरी का, देखिए रोडवा को देख लीजिए। हाँ, आखिर 5 साल में क्या विकास हुआ है? कुछ विकास। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान, तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर्स रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 8399 43 151। हमारा खास कार्यक्रम विकास की बात जनता के साथ, इसी के तहत सिवान लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव, कस्बे, मोहल्ले में लोगों का राय जानने हम पहुंच रहे हैं। देखिए, इस वक्त सिवान लोकसभा क्षेत्र के हुसैनगंज बाजार पर है और एक चाय की टपरी है। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम है? प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। चाय की दुकान आप ही की है? हाँ। चाय कितने का बेच लेते हैं? वो 150। 150 खर्च चलता है? नहीं, खर्च का चलता है, वो राशन मिलता है, उसे गुजर होता है बस। कितना राशन मिलता है? वही 4-5 किलो। 4-5 किलो। अच्छा, ये बताइए कि माहौल कैसा है चुनाव का? अभी तो अभी सर्वे हम नहीं किए हैं, कम कहे। अच्छा, यहाँ पे बैठे हैं, लोग आता होगा, बातचीत करता होगा, तो माहौल कैसा लग रहा है? अभी कोनो माहौल नहीं है, कुछ माहौल नहीं है, कुछ नहीं। बस नेता जी लोग घूम रहे हैं, तो उनका काम है। क्या कह रहे हैं? जब नॉमिनेशन होगा तब लोग विषय में सब लोग अपना मत देगा कि हाँ इसमें दिया जाए, उसमें दिया जाए। अभी जिसका बोल बड़ा रहेगा, जो भी 20 पड़ेगा जीतेगा। हम लोग तो किसी पार्टी के सबके पार्टी के हैं। हाँ। बाकी ये है कि जो नजदीकी है। कौन नजदीकी है चाचा? जो भी हम लोग नजदीकी है, कौन है? आता है, जैसे हिना साहब है। हाँ। जैसे ओम प्रकाश यादव है और बिहारी चौधरी है, ये लोग नजदीकी है। तो देखिए, अवध बिहारी चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हिना साहब लड़ रही है, ओम प्रकाश यादव या उनके परिवार से कोई लड़ेगा? ये तमाम लोग जो है तैयारी ना, तो इसमें जो हमको अच्छा लगा उसको मैं देंगे बस। अच्छा, 5 साल में कुछ काम वाम हुआ है जी? पाँच क्यों कहा साल हुआ? 5 साल में बहुत कुछ हुआ है। नाला जो बना है, ये 5 साल में क्या 10 वर्ष हो गया। बाकी नाला जो है कि पानी पास नहीं करता, ये नीतीश राज में यही है। नीतीश राज चाचा कह रहे हैं कि नीतीश राज में यही है? कह रहे नीतीश राज में यही है बस, कि 2 साल हो गया नाला पास नहीं हो रहा है। हाँ, तो सही बात है, रियल है। देखिए पानी किधर बह रहा है रोड पर, बांध के गड्ढे में से जा रहा है रोड पर। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल में विकास सांसद जी ने क्या किया है? सांसद को जानते हैं? सांसद को जानते हैं? आज तक पूछने ही नहीं आई है कि रोटी मिला कि नहीं मिला। रोटी मिला है कि नहीं मिला है? क्या कह रहे हैं? कमाना है, खाना है, राशन जो मिल रहा है उससे काम चलता है? नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए मुंह पर कहते। अच्छा, उससे पहले ओम प्रकाश यादव थे, वो आते थे? वो आते थे। उसके पहले शहाबुद्दीन थे? और उस घर ही के थे, उनका तो बात से छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन साहब के तो नाम लेना गुनाह है। अच्छा, विकास विकास कौन किया है सबसे ज्यादा विकास? अभी आंकड़े उठा कर देख रहे। चाचा थोड़ा थोड़ा सा बात कर दो, फिर जाइएगा। ये बताइए कि माहौल कैसा है चुनाव का? इधर आइए ना, बैठिए बैठिए, 2 मिनट। क्या क्या कह रहे हैं? विकास कोई नहीं किया है। हाँ, शहाबुद्दीन का चर्चा करता है लोग। हाँ, शहाबुद्दीन साहब किए हैं, सिवान में किए हैं, सब है।
बाकी इसके अलावा कोई नहीं किया, कोई नहीं किया है, कोई नहीं। अच्छा इस बार क्या होगा चुनाव में? अभी देखिए ऊपर वाले जाने माहौल बनने वाला है, बने माहौल तो कहीं ना कहीं बनेगा ही। किसकी सरकार बनेगी अभी हम नहीं कुछ बताइए, चाहते किसको समझ जाइए बस। अरे हम तो समझ ही जाएंगे, आप बनाना किसको चाहते? देखिए हम को दिया हो गया। अच्छा क्या नाम हुआ चाचा आपका? बैठिए बैठिए बैठिए। क्या नाम है? अच्छा कहाँ घर है आपका? खैराटी। खैराटी, ये बताइए कि 5 सालों में विकास विकास हुआ है कुछ? बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास कार्य हुआ है? बहुत देख देख रोड बना है, खेती बना है, हैं रोड बना है। सांसद को जानते हैं चाचा? सांसद तो जानते हैं, सांसद तो बेकार है। बेकार है कविता सिंह? हाँ। काहे बेकार है? बेकार है, कभी अभी गांव में नहीं आया। हाँ। हाँ। इस बार क्या होगा? अब तो टिकट भी कट गया है उनका। कट गया मनवर में। हाँ। वोट कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बीजेपी जाएगा। हाँ? बीजेपी। बीजेपी को? हाँ। बीजेपी के उम्मीदवार किसको, कौन है अभी? अभी अभी जदयू है। हाँ, जदयू को वोट जाएगा। चलिए चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत कर रहे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव। शंकर यादव जी, ये बताइए कि अवध बिहारी चौधरी भी मैदान में है, वोट कहाँ जाएगा? जो सामने आएंगे उन्हीं को दिया जाएगा। सामने तो सब लोग आएंगे। हाँ सामने, अभी कहाँ कोई आया है? लगातार लोग दौरा कर रहे हैं। कहाँ दौरा कर रहे हैं? हम दौरा होता है, दौरा हो रहा है, लेकिन हम लोग गांव में थोड़ी जा रहे हैं वो। हाँ कोई सांसद तो नहीं जा रहे हैं। विचार पूछता लोग। अच्छा विचार वो समय बताओ जाइए। अच्छा, बता 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 तो ये बताइए कि विकास क्या हुआ है 5 साल में? कविता सिंह ने क्या किया? अरे रोडवा जाकर देख लीजिए क्या विकास हुआ है। ये जो हरियास होते हुए निकलता है गोपालपुरी का, देखिए रोडवा को देख लीजिए। हाँ आखिर 5 साल में क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है जी आपके यहाँ? जी नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ है। कागज में विकास है लेकिन। अच्छा, कागज में हुआ है, जमीन पर नहीं हुआ। जमीन पर विकास करने तो क्या होगा इस बार? वो इस बार देख के सोचा जा रहा है कि जो इस लायक आदमी आएगा उसको वोट। हेना साहब हैं, ओम प्रकाश यादव या उनके परिवार से कोई उम्मीदवार हो सकता है? अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी देवी, वोट कहाँ जाएगा? एक सीट पर 50 नेता खड़ा है, उसमें विचार किया जाएगा। माहौल किसके तरफ है चाचा? अभी माहौल किसी के पास नहीं है। देखिए अवध बिहारी चौधरी भी लड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी भी लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ। हम तो अभी बताए क्या कर, लड़ने दीजिए, हम भी तो लड़ रहे हैं आपसे। हाँ। कोई लड़ सकता है? हाँ, कोई तो आजादी है, उनसे पूछिए, रियल बताएंगे। अच्छा किन से पूछते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, उनसे ही पूछ लेते हैं। पहले बैठ जाते हैं, गांव के बुजुर्ग लोग हैं और ये बाजार सब्जी लेने आए हैं ना चाचा? क्या नाम हुआ आपका? बैठ जाइए पहले। लाल बहादुर यादव। पहले बैठ जाइए फिर बात करते हैं आपसे। लाल बहादुर यादव जी। अच्छा ये बताइए कि कविता सिंह जो सांसद हैं यहाँ की, क्या विकास कार्य? लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। अब देखिए हम तो आना जाना कहीं होता नहीं जी, बारी जनरल नॉलेज भी नहीं है। आते हैं बूढ़ा आदमी है, बैठते हैं थोड़ा सामान करके बजाते। कविता कौन है? हम देखा भी नहीं। सांसद को नहीं जानते? ना, सांसद मतलब साहबू को जानते थे। हाँ। ओम प्रकाश को जानते थे, ये सब लोग को जानते थे। कविता का चेहरा हम नहीं देखा है, लेकिन इसके लिए दुख का बात नहीं है। हाँ। अच्छा किया होगा तो अच्छा। टिकट कट गया है इस बार? सपोर्ट हो गया इस बार, टिकट कट गया है। हाँ तो सपोर्ट मिलेगा। हेना साहब है, साहबुद्दीन की पत्नी है, अवध बिहारी चौधरी है, तमाम को खूब बढ़िया से जानते हैं। हाँ। माहौल कैसा है इस बार? माहौल क्या कहा जाए, ढेर जोगी मटका उजार। हाँ समझे, तो इस बार निर्दलीय को लोग चुनेंगे क्या? हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बड़ी बात नहीं है, तो आपसे में लोग खराब कर रहा है। हाँ। तो पब्लिक का क्या दोष है? पब्लिक का क्या दोष मतलब कौन लोग खराब कर रहा है? जैसे आरजेडी से जनता कर रहा है। अच्छा जनता। हाँ हाँ जनता कर रहा है। अब कुछ उधर जाएगा, कौन आगे जाएगा, कौन पाछे जाएगा। इसमें पार्टी में लोग बंटवारा कर लेगा तो निर्दलीय तो कोई निकाल लेगा सीट फिर? जी हाँ यही हमारा कहना है। किसका निकलेगा ये तो बताने का चीज नहीं है। ये वोट दिया जाता है किसी अपने बाप को भी नहीं बताना। मन 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 हमारा दिल जिधर बोले कौन क्या किया है, कर रहा है जी,
वो देख के देना है। चलिए, अंधा नहीं है जी, जरूरी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दुर्गनाथ यादव। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल में विकास कुछ हुआ है? हम नहीं, कोई जाते हैं नहीं आते हैं, हम नहीं जाते। अच्छा, इस बार क्या होगा? ये हम क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं जैसा हालत बड़ी मुश्किल का कहना है। हाँ, माहौल किधर, पसंगा खाली पसंगा की जरूरत है। अगर इतना सा पसंगा गया तो गया, बड़ा वाला भी गा जाएगा, छोटा वाला तो मर जाएगा मौज, निर्दलीय चुनाव जीत जाएगा। हाँ, कोई गारंटी है कि नहीं जीतेगा? चलिए चलिए, तो लोगों से बातचीत कर रहे थे और देखिए, हुसैनगंज में है सिवान लोकसभा क्षेत्र का, हुसैनगंज ये चट्टी है, बाजार है, और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश थी कि विगत 5 सालों में वर्तमान सांसद ने क्या कुछ विकास किया है, प्रथम महिला सांसद कविता सिंह ने क्या कुछ विकास किया है। और बात अगर सिवान लोकसभा सीट की करें तो कई सारे प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं, दौरा शुरू है और 25 मई को मतदान होने वाला है। उससे पहले लोगों ने मिजाज बना लिया है, लोगों ने अपनी बात रखी है और लगातार विकास की बात जनता के साथ इसी कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।